हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है मंडे का दिन और आज है महाराष्ट्र डे, तो आज छुट्टी है जैसे कि। तो हम सब आए हैं पूरी फैमिली टिटवाला मंदिर में, गणपति मंदिर में आए हैं हम सब। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमको पार्किंग नहीं मिल रही है। और हम दर्शन भी करेंगे और सेकेंड जैसे कि कैंप है तो बच्चों को पिकनिक ले जाना है, तो हमको सर्च भी करना है जैसे कि कहाँ बच्चों को पिकनिक लेके जाएं, तो उसी हिसाब से भी हम आए हैं। तो चलिए पहले कर लेते हैं मंदिर में दर्शन, गणपति बप्पा मोरिया। तो भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, कहीं भी हमको पार्किंग नहीं मिल रही है। तो पार्किंग मिल चुकी है फाइनली। मंदिर में आज बहुत ज्यादा भीड़ है और हम आरती के टाइम पे पहुंच चुके हैं। और आज मैंने ये वाली साड़ी बांधी है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मुझे नहीं पता है मुझे कहाँ तक वीडियो बनाने मिलेगा, जहाँ तक चल रहा है मैं चला रही हूँ। और उसके बाद में भीड़ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, और पता नहीं शायद अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। फ्रेंड्स, आप लोग भी दर्शन ले लीजिए। देखिए गणपति बप्पा दिख रहे हैं यहाँ से। और भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छे से दर्शन हो गए और मंदिर के बाहर आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर चालू है हमारी फोटोग्राफी। तो फोटोज के बाद चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। शॉपिंग के बाद आ चुके हैं, जूस पी रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, दोपहर हो चुकी है, गर्मी से सभी जगह पर है। कितनी मस्ती करता, पेट ही नहीं भरता, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है लेते जाओ लेते जाओ। मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं ये सब बहुत खरीदती थी, अभी ये सब लेना बंद हो गया। मुझे बहुत पसंद है बच्चों के लिए खिलौने खरीदना। अंदर है पानी पी ले बाबू ना। पीको को भी साथ में लाए थे क्योंकि वो घर में अकेला कैसे कब तक रहेगा। तो चलिए फिलहाल बैठने जा रहे हैं गाड़ी में। बैठो बेटा, चलिए बैठ चुके हैं फाइनली गाड़ी में और मंदिर से निकल चुके हैं। और लीजिए मोदक खाइए मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए खाइए मोदक। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो चलिए कर लेते हैं जगह की रेकी यानी कि सर्वे, बच्चों को पिकनिक कहाँ लाया जाएगा, जगह अच्छी है या नहीं, सेफ है या नहीं। तो जो जगह हम देखेंगे मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, नहीं तो बच्चे देख लेंगे पिकनिक के लिए। तो बच्चों को वहाँ पर हम लोग पिकनिक लेके आएंगे। लास्ट टाइम हम लोग गणपति मंदिर पे ही आए थे लास्ट टाइम हम लोग, तो
अभी फिलहाल जैसे कि टिटवाला में ही है तो देख लेते हैं जगह। तो हम लोग जहाँ पर बच्चों को लाने वाले हैं वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और मैं यहाँ से देख रही हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। मैं पूरा अभी सीन नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए सरप्राइज है। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा पीको उड़ गया है और थोड़ा सा हमने उसको छोड़ के देखा और वो सच में उड़ गया और ये लोग लेके आए। हाँ मिल गया मिल गया, इतना जोर से उड़ा, पूरा आसमान में उड़ते चला गया। बट वो अभी बच्चा है, इतना नहीं उड़ पाता है, हमको पता है, इसलिए हमने उसको संभाल के रखा है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। बट फाइनली ये लोग लेके आ रहे हैं, वो मिल चुका है। पूरा 10 मिनट उसको ढूंढा। जल्दी आओ, और पूरी तो रोने लगी थी आंसुओं से, दिखाओ भाग गया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये मिल चुका है, उड़ चुका था ये। इसको मालूम नहीं है बच्चा है, इसको बड़े जानवर खा जाएंगे। बच्चा छोड़ना, अभी आप छोटे हो, इसे नहीं खाना है। देखो आज इसने ना खुल के उड़ा होगा। वैसे हम लोग इसको घर में खुला छोड़ते हैं थोड़ा बहुत उड़ने के लिए। फ्रेंड्स फाइनली निकल रहे हैं, जगह एक्सप्लोर कर ली है हमने, बहुत अच्छी सेफ जगह है। और चलते हैं घर की तरफ, और पीको भी मिल गया, दर्शन भी अच्छे से हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारे साथ आए हैं हमारे देवर भी, ये छोटे देवर है मेरे बिट्टू। तो चलो बाय कर दो सब लोग, बाय बाय।